गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीप्लॉइड्स। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से क्रोमोसोम्स के नंबर जब चेंज होते हैं तो क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो हमने बताया था आपको कि जो न्यूमेरिकल चेंज है वो दो प्रकार के थे, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की बात हम कर चुके थे पिछली क्लास में, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर एक या दो ही चेंज होते हैं, एक या दो कम हो जाए या एक या दो ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते थे एन्यूप्लॉइडी। और जब क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बदल जाए, जैसे एक सेट में कितना नंबर है, 23 हमारी हम बात करें तो 23 की जगह अगर 46 डिप्लॉइड में हो जाता है, और अगर हो जाए 69 या 92 तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड्स। यानी कि क्रोमोसोम के सेट ही पूरे के पूरे बदल जाएं। तो अब आप देखिएगा पॉलीप्लॉइड्स में क्या क्या हैं। पहली बात तो प्लॉइडी का मतलब क्या है। प्लॉइडी का मतलब हम बता चुके हैं, द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल। देखो भाई, गैमेट में क्या होता है, हैप्लॉइड यानी कि एन नंबर होते हैं, और हमारी सोमेटिक सेल में कितने होते हैं, 2n नंबर। तो ये तो नॉर्मल बात है, जैसे अभी हमारी बॉडी में 2n नंबर क्रोमोसोम है और गैमेट्स में n है, और अगर वहाँ पर अब 3n हो जाए या 4n हो जाए, 5n हो जाए, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, प्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी का मतलब है मोर देन टू सेट। देखिए, टू सेट तो एकदम नॉर्मल है ही, हमारी सारी सेल्स में, प्लांट हो एनिमल हो, सब में 2n होता है, ठीक है, आर प्रेजेंट। तो पॉलीप्लॉइडी को हम बात करें तो ये कितने टाइप के हैं, ये दो टाइप के हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। यहाँ आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, जो सेम सेट है, जैसे मैं बात करूं कि मेरे अंदर जो क्रोमोसोम हैं सेम, वो के वो ही रिपीट हो जाए, क्या हो जाए, एडिशन ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम सेम स्पीसीज, यानी एक ही स्पीसीज के क्रोमोसोम के सेट 2n की जगह 4n हो जाए, 3n हो जाए, 5n हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो मतलब सेम स्पीसीज के सेट ही मल्टीपल हो जाए, 3 हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऑटो ट्रिप्लॉइड, 4 हो जाएंगे तो ऑटो टेट्राप्लॉइड, 5 हो जाएंगे तो ऑटो पेंटाप्लॉइड, और उससे ज़्यादा होते ही ऑटो पॉलीप्लॉइड। तो समझ में आया आपको, यानी सेम सेट जो है, जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारा एक क्रोमोसोम क्या है, ए है सपोज़, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, 2a होगा, 2n होगा, तो लेकिन 3a हो जाए तो ट्रिप्लॉइड, 4a हो जाए तो टेट्राप्लॉइड हुआ या नहीं हुआ। तो सेम सेट जब मल्टीप्लाई करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। इज इट क्लियर। और एलो पॉलीप्लॉइड्स में क्या होगा, यहाँ भी सेट बदलेंगे। यहाँ क्या होता है कि दो अलग स्पीसीज़ आपस में रिप्रोड्यूस कर जाती हैं, जैसे आज आप खा रहे हो जो ब्रेड व्हीट है वो हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड, उसके अंदर क्या होते हैं, 4a है और दो क्या हैं, बी है, यानी किसी दूसरी स्पीसीज़ के क्रोमोसोम आ गए हैं एक सेल के अंदर, 2n से तो ज़्यादा हो गए हेक्सा, अगर 3 भी हो जाते, यानी 2a हो जाता और 1b हो जाता, तो अभी वो क्या हो जाता, एलो पॉलीप्लॉइड हो जाता, लेकिन 3 हो जाते तो एलो ट्रिप्लॉइड, 4 हो जाते तो एलो टेट्राप्लॉइड। और जैसे मैंने कहा कि गेहूं जो ब्रेड व्हीट है, ट्रिटिकेल जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, एलो हेक्साप्लॉइड है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 6 क्रोमोसोम का सेट है उसके अंदर, यानी 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है।
तो बात समझ में आई। पहली बात तो ऑटो में क्या होगा, सेम स्पीसीज़ के क्रोमोसोम ही मल्टीप्लाई करेंगे, और एलो में क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज़ के भी आ जाएंगे। तो सेट तो बढ़ गए लेकिन वो अलग स्पीसीज़ का सेट है। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं कि कैसे बनेंगे ये। हम बात कर रहे हैं ऑटो ट्रिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। हम अगर आपको बताएं कि जो वीट है ट्रिटिकम टर्जिडम, वो टेट्राप्लॉइड उगता है, वो उसमें यानी कि 4N होते हैं क्रोमोसोम उसमें, ठीक है। तो उसका गैमेट बनेगा तो क्रोमोसोम कितना आएगा उसमें, गैमेट में आधा हो जाएगा तो 2N आएगा। और वो एक जो और कोई अगर सपोज टर्जिडम की जगह जो ट्रिटिकम स्पेल्टॉइड्स वगैरह है, वो गेहूं की ही स्पीसीज़ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें 2N है अगर क्रोमोसोम, तो गैमेट बनेगा N हो जाएगा। जब ये N इस 2N के साथ फ्यूज होगा तो जो नई स्पीसीज़ में आएगा वो 3N होगा, जायगोट या नहीं होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, ऑटो ट्रिप्लॉइड, क्योंकि गेहूं गेहूं है सेम स्पीसीज़, तो ऑटो ट्रिप्लॉइड होगा। समझ में आई बात। तो बहुत सारे ऑटो ट्रिप्लॉइड है जो कि क्या है, अवेलेबल है प्लांट में भी, एनिमल्स में भी, अभी हम एग्जांपल उनका बताएंगे। अब ऑफ स्प्रिंग जो यानी कि जो ये बच्चा डेवलप होगा या जो ये प्लांट जायगोट से डेवलप होगा, वो 3N होने की वजह से कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, इसमें बीज भी नहीं बनेंगे, सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि 3N है। तो 3N से गैमेट बनेंगे तो हाफ कैसे होंगे, डेड डेड एन हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएंगे, ये स्टेराइल होंगे। और 2N से ऊपर होते ही क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं हो पाता है, और वो केवल वेजिटेटिव यानी कायिक वृद्धि करता है, यानी कि वो स्टेराइल ही होते हैं। देखिए इसके अभी हम एक ऑटो टेट्राप्लॉइड दिखा दें। ऑटो ट्रिप्लॉइड कैसे बना, कि कोई टेट्राप्लॉइड स्पीसीज़ के गैमेट से एक नॉर्मल स्पीसीज़ के गैमेट ने फ्यूज कर लिया, ठीक है, और वो ट्रिप्लॉइड बन गए। यहाँ देखें, यहाँ क्या होता है कि एक सेल जो होती है उसके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, सेल डिवीज़न होता है तो आधे उसमें चले जाते हैं, आधे उसमें चले जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम का नंबर तो डुप्लीकेशन हो गया यानी 2 से 4 हो गया, लेकिन सेल का डिवीज़न ही नहीं हुआ। तो आप बताइएगा, सेल का डिवीज़न नहीं होने से वो 4 बन गए, 2N की जगह 4N हो गए नहीं हो गए, तो ये हो जाएगा री एंटर कर जाएगी इंटरफेज में ही, और क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, यानी अगर 2N है तो 4N हो जाएगा। अब प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटली बाय कोल्ड हीट शॉक, जैसे कोई सेल डिवीजन कर रही है, आप एकदम उसको गर्म हीट शॉक दे दें या एकदम ठंडे में रख दें तो सेल डिवीजन रुक जाता है, और वो क्या बन जाती है, डबल उसका क्रोमोसोम नंबर हो जाता है और सेल का डिवीज़न ब्लॉक हो जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जानते होंगे कोल्चिसिन एक ऐसा केमिकल है जो स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता, जबकि सेल के डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर ही तो होते हैं जो आधे आधे कर देते हैं क्रोमोसोम्स को, लेकिन जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं बन रहा तो क्रोमोसोम हाफ हाफ होंगे ही नहीं, सेल डिवाइड करेगी ही नहीं, और क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उससे सेम ही स्पीसीज़ है और सेम सेट मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऑटो टेट्राप्लॉइड डेवलप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब ऑटो टेट्राप्लॉइड्स कैसे होंगे, लार्जर होंगे, जब ज़्यादा उसके अंदर DNA होगा, ज़्यादा प्रोटीन बनेंगे तो क्या होगा, तो लार्जर देन डिप्लॉयड रिलेटिव्स, दिस इंक्रीज साइज मेकिंग देम, और बहुत बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे विद ग्रेटर कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर वैल्यू। तो आपने देखे होंगे बिना बीज वाले बड़े बड़े तरबूज देखे होंगे, पंपकिन देखे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये ऑटो ट्रिप्लॉइड या ऑटो टेट्राप्लॉइड होते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए तो कोल्चिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो क्रोमोसोम डबलिंग करके ऑटो टेट्राप्लॉइड बना देता है। यहाँ देखिए, एक बार मैं पहले आपको एग्जांपल दिखाऊं, फिर उसके बाद हम बाद की बात करेंगे। देखिए ये आजकल आप जितने भी देखिएगा, दो तरह के बनाना होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल पार्थेनोकार्पिक होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं,
और आजकल हम क्या कर रहे हैं, ऑटो ट्रिप्लोइड बनाना भी बना रहे हैं। काफ़ी हमने क्या किया है कि एप्पल बना लिए हैं ऑटो ट्रिप्लोइड। ये पोटैटो देखिएगा, ऑटो ट्रिप्लोइड है, ये ट्रिप्लोइड प्लांट हैं इनके सारे। ये सब एग्जांपल में आप मेंशन करेंगे कि इनके एग्जांपल क्या हैं। अब ये क्या है कि गीगाज इफ़ेक्ट दिखाते हैं। गीगाज का मतलब क्या होता है, बड़े साइज के दिखाते हैं और सीड भी इनमें नहीं होता है। तो अब आप खुद बताइए, आप जब भी कोई चीज़ खाना पसंद करते हैं तो सीड वाले को करते हो या बिना सीड वाले को? तो बिना सीड वाले को, यानी हॉर्टिकल्चर वैल्यू इनकी बढ़ जाती है। आप अंगूर खाते हो बिना बीज वाले तो बड़े महंगे मिलते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी कि जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फार्मर को इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम ये सब काम करते हैं। ऐसे ही कपास को आप देखते हो तो ऑटो टेट्राप्लॉयड होती है ये। मूंगफली है ऑटो टेट्रा, आजकल आप देखते हो बड़ी बड़ी मूंगफली खाते हो, मोटी वाली, ठीक है। टेट्राप्लॉयड होने की वजह से क्या होता है, सीड सेट तो इनमें होगा ही होगा, बीज तो बनेगा क्योंकि गैमेट बन जाते हैं बाद में इनके, टू एन हो करके। तो ये देखिएगा आप, यानी कि ये टेट्राप्लॉयड प्लांट है। कौन? एक तो आप देख रहे हैं कॉटन गॉसिपियम है, और एक ये ग्राउंड नट है, मूंगफली इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड के। अब आप देखिए और आगे, ये मैंने आपको बता दिया था कैसे बनेगा। तो कॉमर्शियल वैल्यू है उनका, महंगे बिकेंगे, और हॉर्टिकल्चर वैल्यू भी है इनकी। अब आप देखिएगा मोनोप्लॉइड्स भी, लेकिन मैं एक बार बात कर लूँ कि जैसे कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, एन। जैसे आपने पढ़ा होगा मधुमक्खी में क्वीन होती है और वर्कर होती है, 2N होती है, लेकिन जो ड्रोन होता है उसमें तो एक ही सेट होता है, आप देख सकते हैं। उन्हें हम पॉलीप्लॉइडी में नहीं करेंगे, लेकिन हमें मोनोप्लॉइडी भी पढ़ना होगा, क्योंकि पॉलीप्लॉइड में तो दो से ज़्यादा होना है। बट आपको पता तो हो ना कि कोई मोनोप्लॉइड भी होता है। यस, मोनोप्लॉइड होता है बीज का ड्रोन। इज इट क्लियर? देखिए पॉलीप्लॉइड की मैं बात कर रहा था, मोर देन 2 सेट हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं और क्या क्या होता है विद मोर देन 2 सेट ऑफ जीनोम, यानी कि दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप उसे पॉलीप्लॉइड कह ही रहे हैं। मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स विच आर एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड, देखिएगा मैंने कहा अभी आपको बताया कि अगर 2N से ज़्यादा सेट हो जाएंगे तो प्लांट मोस्टली कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे। तो उन प्लांटों को अगर आप उगाएंगे तो वेजिटेटिवली यानी कायिक प्रवर्धन से ही आप उगा सकते हो, उन्हें आप सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से नहीं उगा सकते हैं। इनफ्रीक्वेंट इन एनिमल, इसीलिए एनिमल तो जिंदा ही नहीं रहते हैं, बट प्लांट हैं जो उनमें ही ये ज़्यादा मिलता है। एनिमल तो क्या होते हैं, इतना ज़्यादा क्रोमोसोम चेंज होने के बाद सर्वाइव नहीं करते हैं और मर जाते हैं। इफ़ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सेक्स क्रोमोसोम बैलेंस मस्ट बी मेंटेन, क्योंकि उनमें सेक्स क्रोमोसोम का बैलेंसिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं उन्हें हम वेजिटेटिवली ही प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि एक बार आपने बना लिया तो अब आगे उससे बीज आप नहीं बना पाएंगे, केवल अब आप उनको वेजिटेटिव यानी कि कायिक प्रवर्धन से ही उगा पाएंगे। डिटेक्शन आप देखिए, चेंजेज इन मॉर्फोलॉजी, जो एक नॉर्मल 2N प्लांट है और एक 3N 4N प्लांट है, तो उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि बहुत वो साइज़ में अलग दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, उनके जो प्रोडक्ट होंगे काफ़ी बड़े होंगे। इसको हम कहते हैं गीगाज इफ़ेक्ट, यानी कि जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, गीगाज प्रभाव, गीगाज इफ़ेक्ट। फर्टिलिटी चेंज हो गई, सारे कैसे हो जाते हैं, ऑलमोस्ट स्टेराइल हो जाएंगे, टेट्राप्लॉइड्स कुछ छोड़ सकते हो आप केवल। चेंजेज इन इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस एबिलिटी, अब क्या वो किसी और स्पीसीज से क्रॉस करने लायक भी होंगे? नो। तो ये सारी फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, ये एग्जांपल की मैं बात कर चुका हूँ आपसे, फिर हमने आपसे बात की थी कैसे हैप्लोइड हैं, फिर ये डिप्लोइड हुए, फिर ये पॉलीप्लोइड, देखिए कि छः छः सेट हो गए, ये छः हो गए स्ट्रॉबेरी में, ऑटो पॉलीप्लोइड्स है। देखो ना, एक सेट ये 3 होने चाहिए हैप्लोइड में, डिप्लोइड में 6 होने चाहिए, यहाँ देखिए आप कितने हो गए, ये 18 हो गए हैं। ट्रिप्लोइड में 3-3 हो जाएंगे, टेट्राप्लोइड में 4-4 हो जाएंगे।
ये देखिए डिप्लोइड, ये डिप्लोइड में वही बता रहा है बार बार, ये देखिएगा टेट्राप्लोइड में चार एन हो गए सारे, चार चार हो गए, ट्रिप्लोइड में तीन तीन हो गए, डिप्लोइड में दो दो हो गए, ठीक है। तो आपको केवल ये देखना है। अब एलो पॉलीप्लोइड्स में क्या होगा, एलो पॉलीप्लोइड्स में क्या होगा, मैंने बताया आपको कि सेट चेंज होगा, दो से ज़्यादा होगा, लेकिन वो अलग अलग स्पीसीज से मिलने से होगा। अगर मैं आपको बात करूं कि हम जो रेफेनोब्रासिका का नाम सुना है आपने, रेफेनोब्रासिका, देखो हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, हम सोच रहे थे कि हम मूली को और गोभी को मिला दें, नीचे मूली आएगी ऊपर गोभी आएगी, लेकिन हो गया उल्टा, नीचे तो गोभी का हिस्सा आ गया ऊपर मूली का हिस्सा आ गया, ठीक है। लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी क्लू मिला कि हम और प्लांटों को डेवलप कर सकते हैं। कैसे किया हमने, रेफेनस, रेफेनस होती है मूली, मूली के अंदर 2N कितने होते हैं, 18 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके गैमेट बने तो N में कितने हो गए, 9। ये क्या थी, ब्रासिका यानी कि गोभी, इसमें 2N 18 थे, इसमें भी N 9 बने, लेकिन दो अलग स्पीसीज़ है ये आप ध्यान रखेंगे। ये ब्रासिका ऑलिरेशिया है और ये ब्रासिका रेफेनस है, मूली दोनों मिल गई, वही 18 हो गए, इसमें 2N बन गए, 18 हो गए, लेकिन दो अलग स्पीसीज़ है, एक ए सेट है एक बी सेट है, तो ए बी सेट है इसके अंदर। फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, कॉल्चिसिन डाल दिया, और आप जानते हो कॉल्चिसिन तो क्रोमोसोम को डबल कर देता है, तो 4N हो गए, तो 2 A के हो गए और 2 B के हो गए, तो दो स्पीसीज़ के करेक्टर इसमें आ गए, नहीं आ गए रेफेनोब्रासिका में, तो बात समझ में आई आपको। तो ये एलो पॉलीप्लाइड होगा और इसका बेस्ट एग्जांपल आप लिखेंगे रेफेनोब्रासिका, रेफेनोब्रासिका यानी कि मूली और गोभी को मिला के हमने बनाया है। तो क्रोमोसोम देखो 36 है, तो 4N है, लेकिन दो सेट अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या है, एलो पॉलीप्लॉइड्स है। तो एक एग्जांपल आप इसका ये लिखेंगे रेफेनोब्रासिका, और दूसरा एग्जांपल आप लिखेंगे ट्रिटिकेल यानी कि ब्रेड व्हीट, जो हमने गेहूं को बनाया है, सिकेल सिरेल, एक राई का सीड है, 2N = 14 है, 14 होते हैं उसमें, और एक होता है ट्रिटिकम ड्यूरम जिसके अंदर कितना है, 4N है वो पहले से ही, तो 4N का 2N बनेगा गैमिट, और राई में 2N का N बनेगा, दोनों मिल गए 3N हो गए, 3N पे कॉल्चिसिन डाल दिया तो 6N हो गए। तो जो गेहूं है वो क्या है, हेक्सा पॉलीप्लॉइड है, और वो भी कौन सा, एलो, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज उसमें मिली हुई है। तो ये है हमारा पूरा पॉलीप्लॉइड और एलो पॉलीप्लॉइड्स। अब इसका एक बार मैं आपको बेनिफिट भी बता दूं कि क्या होंगे, सीडलेस फ्रूट बनेंगे जो मैं बताता आ रहा हूँ, वाटरमेलन्स बनाना हम बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके फ़ायदे क्या हैं। एस एक्चुअली प्रोपेगेट करेंगे कटिंग से, आपने ग्राफ्टिंग कर दी, कटिंग कर दी, छोटे छोटे पीस करके अलग अलग जगह लगा दिए, तो तुरंत प्रोपगेशन हो जाएगा, सीड से तो उगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीडलेस फ्लावर, मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट, गेंदे के फ्लावरिंग प्लांट है जो सीडलेस हमने फ्लावर डेवलप कर दिए। प्रिवेंशन क्रॉस पॉलिनेशन, अब देखो जब सीड नहीं बन रहे वेजिटेटिवली है तो पॉलिनेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बी आएगी तब करेगी, या बैट चमगादड़ से होगा या उससे होगा, तो कितने सारे फ़ायदे हैं। तो हमें पॉलीप्लॉइडी के काफ़ी फ़ायदे हैं, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, इनके टाइप्स को एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, और वो असाइनमेंट भी आपको मेरे ईमेल पे सबमिट करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।